नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। रंग पंचमी पर्व पर बाबा अचलनाथ ने शहर वासियों को दर्शन दिए, जिसके लिए मंदिर परिसर से चल समारोह निकाला गया और 21 क्विंटल फूले जमा कर बाबा के भक्तों ने अचलनाथ महाराज को गुलाल का टीका लगाकर उनके साथ होली खेली। बाबा अचलनाथ के चल समारोह का जगह जगह स्वागत भी किया गया, जिसके लिए शहर के अलग अलग चौराहे पर स्वागत की तैयारी भी की गई। रंग पंचमी के अवसर पर बाबा अचलनाथ स्वर्ण श्री विग्रह के रूप में शहर भ्रमण पर निकले। इस दौरान वह राम मंदिर, गिरिराजी मंदिर एवं चक्रधर मंदिर पर भगवानों के साथ होली खेलने पहुंचे। यहां सूखी होली के लिए 21 क्विंटल फूलों की व्यवस्था भी की गई। चल समारोह सबसे पहले राम मंदिर पहुंचा, जहां पर बाबा ने चंदन से भगवान श्री राम के साथ होली खेली। इसके बाद बाबा अचलनाथ गिरिराजी मंदिर पर से होकर भगवान चक्रधर मंदिर पर होली खेलने पहुंचे। शोभा यात्रा में बैंड, ढोल, तांसे व शंखनाद की ध्वनि बाजारों में गूंजी और प्रमुख बाजारों में अचलनाथ के भक्तों ने प्रसाद व ठंडाई वितरण की व्यवस्था की है। बाबा अचलनाथ के शहर भ्रमण के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल बाबा की पालकी के साथ तो चला ही, कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया। देखिए, अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान अचलनाथ महाआरती के पश्चात अचलेश्वर मंदिर से ये चल समारोह प्रारंभ हुआ रंग पंचमी का, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ होली खेलने के लिए जो हर वर्ष भगवान अचलनाथ जाते हैं दाल बाजार, लोहिया बाजार, नया बाजार, दौलतगंज सराफा होते हुए भक्तों की भारी भीड़ के साथ रंग गुलाल और अबीर के साथ भक्तों के साथ होली खेलते हुए रास्ते भर भक्ति का संदेश देते हुए राम मंदिर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद आनंद कंद भगवान चक्रधर के मंदिर, सनातन धर्म मंदिर और गिरिराज जी के मंदिर भी होली खेलने भगवान अचलनाथ जाएंगे। बड़ा उत्साह है जनता के बीच में कि भगवान अचलनाथ जो ग्वालियर के महाकाल कहे जाते हैं, और ऐसे समय में जब भगवान अचलनाथ का मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो ऐसे समय में बड़ा उत्साह है लोगों में रंग पंचमी का, और बड़े ही धूमधाम के साथ हिंदू संस्कृति की परंपरा के अनुसार रंग पंचमी मनाई जा रही है। शहर के माधव कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान और इससे छुटकारा पाने के उपायों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दो विशेष डॉक्टर तो नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए मौजूद रहे ही, साथ ही एएसपी पंकज पांडे ने नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और कार्यशाला में मौजूद बच्चों को नशा न करने का संकल्प भी दिलाया। आज जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति, मादक पदार्थों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसके लिए भारत सरकार के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें आज एक मादक पदार्थों का सेवन न करें, कैसे इससे बच सकती हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि देखने में आया है कि ज़्यादातर युवा जो 14 से 25 साल की उम्र के हैं वो मादक पदार्थों की ओर जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में यही बताने की कोशिश है कि उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, हम इससे कैसे बच सकते हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में एडिशनल SP क्राइम ब्रांच के पंकज पांडे जी हैं, दो डॉक्टर, डॉक्टर सुखदेव माखीजा और डॉक्टर RR चतुर्वेदी जी हैं, और समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर रविकांत अदालत वाले जी हैं, जो नशे के संबंध में अपनी बातें यहाँ पर बच्चों के बीच में रखेंगे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद दूसरी बार कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। पहली बार वित्तीय संकट की वजह से कई विभागों का वेतन रोका गया था, इस बार मोबाइल नंबर फीड न होने के कारण ऐसा होगा। आयुक्त कोष ने साफ कह दिया है कि जब तक अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर फीड नहीं होंगे, उन्हें अप्रैल में मिलने वाला मार्च का वेतन नहीं मिलेगा। वहीं इस निर्णय के लेकर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। उल्लेखनीय है कि जिले के 60% कर्मचारियों ने बार बार निर्देश जारी होने के बाद भी अपने मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में फीड नहीं किए हैं। इस कारण करीब 13,000 अधिकारियों व कर्मचारियों का मार्च का वेतन नहीं मिलेगा। मोती महल के कोषालय विभाग का कहना है कि कोषालय के IFMIS पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर फीड नहीं है, इससे उनके वेतन, व्यक्तिगत दावों की मंजूरी, आवेदन प्राप्ति व स्वीकृति के बाद मोबाइल पर SMS नहीं पहुंच पा रहे हैं।
इसी कारण आयुक्त कोष ने साफ कह दिया है कि अप्रैल का वेतन तभी संभव होगा जब सभी कर्मचारियों का मोबाइल व अन्य वितरण सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के आदेश पर लाइसेंसी हथियार 25 मार्च तक ही जमा होंगे। इस बार भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हथियार जमा करने से छूट दी गई है। कुछ ऐसे 80 लोगों को भी कलेक्ट्रेट ने राहत दी है जिन्हें अलग अलग कारण या पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से हथियार घर में रखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी आचार संहिता के कारण कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सभी हथियार पुलिस थाना व लाइन में जमा करने के निर्देश दिए हैं। एक दिन पहले तक जिले के 29,361 लाइसेंसी हथियारों में से 18,374 हथियार जमा हो चुके थे। रविवार को भी पुलिस थानों में हथियार जमा करने भीड़ रही। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कहा, सोमवार तक जिनके लाइसेंस जमा नहीं होंगे उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज छोटे छोटे मामलों में ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे याचिकाकर्ता को न केवल राहत मिल रही है बल्कि दोषियों को सामाजिक कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर भी दिया जा रहा है ताकि समाज में इसका सकारात्मक संदेश जाए। किसी मामले में राहत देने की शर्त पर कोर्ट पौधे रोपने व उसकी देखभाल करने का आदेश दे रही है तो किसी मामले में भारत के वीर मोबाइल ऐप में पैसे जमा करने का आदेश दे रही है। सामाजिक मुहिम में लोगों की भागीदारी के लिए हाईकोर्ट ने अशोकनगर जिले में हुई छेड़छाड़ के एक मामले में चारों आरोपियों ने FIR निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। बाद में उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्ष मामले में समझौता कराना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, चारों आरोपी भारत के वीर मोबाइल ऐप में 5,000 रुपये जमा कराए तो वहीं विदिशा जिले के एक मामले में छेड़छाड़ के आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत का आवेदन लगाया। तर्क दिया कि परीक्षा शुरू होने वाली है, जेल में रहा तो साल खराब हो जाएगा। कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी कि आरोपी जिला अस्पताल में सप्ताह में 3 दिन जाकर मरीजों की सेवा करे, व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अधीक्षक को सुझाव भी दे। कोर्ट के इस तरह के फैसलों से लोगों को राहत तो मिली है, उन्हें सकारात्मक संदेश भी दिया गया। जिले के 1724 मतदान केंद्रों पर 12 मई को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए PHQ द्वारा तय किए गए फार्मूले के तहत 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स व 5 कंपनी SAF की मिलने की उम्मीद है। जिले में SAF की 2 कंपनी व 3,000 का जिला पुलिस बल मौजूद है। हालांकि इस बार बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण होने के कारण पैरामिलिट्री फोर्स कंपनियां बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में तैनात हैं। CRPF की एक कंपनी बालाघाट से 3 दिन में आ जाएगी। कंपनी को लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर 2 अप्रैल को जिले में हुई हिंसा के बाद ग्वालियर जिले को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और विधानसभा चुनाव कराने के लिए अन्य जिलों की तुलना में अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया था। इस बार PHQ ने मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से जिलों को पैरामिलिट्री फोर्स SAF व होमगार्ड सैनिक उपलब्ध कराने का फार्मूला तय किया है। इसी फार्मूले के अनुसार ही लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिलों को बल उपलब्ध करवाया जा रहा है। PHQ द्वारा तय किए गए फार्मूले के तहत 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स व 5 कंपनी SAF की मिलने की उम्मीद है। जल्द ही कुछ कंपनी में चुनाव की तैयारी के लिए मिलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने व बॉर्डर की नाकेबंदी करने के लिए CRPF की एक कंपनी बालाघाट से बुधवार तक आ जाएगी। कंपनी को ठहराने के लिए मुरार में धर्मशाला का अधिग्रहण किया है। कंपनी अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करती है। जिला पुलिस को केवल इनके ठहरने व आने जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करनी होती है। CRPF की कंपनी द्वारा जिले में आमद दर्ज कराने के बाद जिले के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को पुलिस ने गोलिका मंदिर चौराहे पर बैरिकेटिंग कर वाहन चालकों की तलाशी ली। साथ ही नियमों का उल्लंघन मिलने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की गई। इस दौरान RTO यातायात और स्थानीय थाने के पुलिस बल यहाँ मौजूद रहा। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है शाम के समय चेकिंग का वक्त होता है और प्रत्येक थाना प्रभारी के द्वारा यातायात के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई जाती है। यातायात का एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी इस एरिया में लगी हुई है, थाना गोलिक मंदिर के द्वारा संचालित है। TI साहब अपने 15 लोगों के साथ में यहाँ के संवेदनशील क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वाहन चेकिंग के जो नियम होता है उसमें 3 सवारी, ब्लैक फिल्म से यदि कोई गाड़ी हो
ओवरलोडेड कोई गाड़ी हो उसकी चेकिंग की जाती है, यातायात का नियमों को उल्लंघन करता है, ट्रैफिक की जंप लाइट करता है, रेड लाइट जंप करता है, तो उन सबके लिए कार्रवाई की जाती है। RTO परिवहन विभाग के द्वारा नंबर प्लेट की स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें नंबर प्लेट नंबर की साइज़ ये सब एक निर्धारित हुआ करते हैं जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत होते हैं। यदि इसमें कोई अपनी कलाकारी दिखाता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग नंबर प्लेट नहीं लगाते या उसमें कोई अपनी जाति सूचक या भगवान के नाम या अपनी पार्टी का नाम लिखते हैं कि अवैधानिक होता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। गोविंदपुरी तिराहे पर रविवार रात सड़क हादसे में एक स्कूटर सवार की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटर में पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी डंपर चालक ने ब्रेक नहीं लगाए, वह स्कूटर सवार को घसीटता ले गया। करीब 200 फीट तक घसीटने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगाने की कोशिश की। हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और डंपर जब्त कर लिया। चालक मौके से भाग गया। नदी पार टाल स्थित अमेटगढ़ नगर का रहने वाला राजेंद्र सिंह कुशवाहा रविवार रात थाटीपुर से गोविंदपुरी तिराई की तरफ आ रहा था। इसी दौरान डंपर चालक ने स्कूटर में टक्कर मारी तो स्कूटर सवार उछलकर गिरा और डंपर के नीचे आकर घसीटता गया। उसके हाथ को कुचलता हुआ डंपर आगे निकल गया। आगे लोगों ने डंपर को रोकने का प्रयास किया तो चालक भाग गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही राजेंद्र की मौत हो गई। ये गोविंदपुरी तराई पे ये फुलवा गा रहे थे, रिश्तेदारी में जा रहे थे मिलने के लिए। ये करीबन 10:45 का डंपर ने दिया। हाँ, डंपर जब्त हो गया, ड्राइवर का भी जानकारी नहीं है। लापरवाही से चलाया जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई और PM करवा दिया गया है। PM रिपोर्ट जैसे भी आएगी, और भी अगर कुछ कारण से पता, ये अपना नदी पार टाल के हो गया। मेरे को तुरंत थाने में पता लगा, मैं थाने पे ही था। तो तुरंत थाने की मोबाइल गाड़ी लेके जैसे पहुंचा, उस टाइम इन्होंने गाड़ी में रख रखा था, तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। जैसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर को द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। डंपर ने इनका एक्सीडेंट किया था, घटना करी थी, उस डंपर को थाने पे जब्त कर लिया गया है। बाकी तलाश की जा रही है और कौन मालिक है क्या है, टीम लगी हुई है। BSF प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के चलते 800 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बंद करने की तुगलकी फरमान को रोकने स्कूल में बच्चों के अभिभावकों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। इनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि अब अगली कक्षाएं स्कूल परिसर में नहीं लगेंगी क्योंकि स्कूल बंद किया जा रहा है, जबकि स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया है। मैं यहाँ पे कलेक्टर को आवन देने के लिए सब लोग आए हैं। देखो, इन्होंने हमको ना 19 तारीख को जब हम सबों को बोला और हम लोग 20 तारीख को मीटिंग में गए तो बोला ये स्कूल बंद हो रहा है, घाटे में जा रहा है। और बल्कि सबसे ज़्यादा सिविल बच्चे पढ़ते हैं तो घाटे में तो कैसे भी स्कूल नहीं है। मैडम वगैरह सब लोग अपनी अपनी फीस देने के 10% कम करने के लिए तैयार हैं, तब भी ये बोल रहे थे कि हमें ना सीनियर KV में कर रहे हैं बच्चों को। KV वालों ने भी मना कर दिया है, वो KV में नहीं ले रहे हैं बच्चों को। और हमने जब उनसे पूछा कि मतलब क्या ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हमसे ये पूछते हैं कि ना आपके क्या है, कायम सर्विस करते तो हम पे दबाव डाल रहे हैं, मतलब हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर में टेकनपुर ग्राम पंचायत में BSF का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, ट्रेनिंग एकेडमी है। वहाँ पे BSF टेकनपुर में एक स्कूल संचालित है। उस स्कूल के संबंध में आज अभिभावक गण आए थे, उनकी ये शिकायत थी कि उनका कहना था कि स्कूल इस सत्र से बंद किया जा रहा है और उनको किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बिंदु बताए, तो इसी तारतम में जो हमारी SDM टेकनपुर डबरा सब डिवीज़न में पड़ता है, तो डबरा SDM जिला शिक्षा अधिकारी DPC और BSF के पदाधिकारियों के साथ अभी एक घंटे बाद हमने बैठक इमरजेंसी बैठक रखी है, उसमें सभी इश्यूज़ पे विचार करेंगे। और मैंने बोला शाम को 6:30 बजे तक मुझे रिपोर्ट दें सो दैट हम इसमें विधिवत कार्रवाई कर पाएँ। किसी भी बच्चे के जो फ्यूचर है उसके बारे में कोई भी गलत निर्णय ना हो, इसलिए हम पूरी टीम अभी लग गई है और हम कोशिश करते हैं उसका कोई ना कोई निराकरण करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लेट लतीफी और कार्य से गैर हाजिर रहने की शिकायतों के चलते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के सहायक संचालक AK दीक्षित द्वारा मोती महल स्थित CMHO कार्यालय पर छापामार कार्रवाई करते हुए यहाँ उपस्थित अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली गई और कार्य से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अब बिना किसी कारण के कर्मचारी अगर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, कर्मचारियों की उपस्थिति देखने आए थे, ये सीट ले ली है। हाँ। इसमें कुछ लोग अभी तक नहीं उपस्थित हुए, अब ये देखना पड़ेगा इसमें। हाँ। अभी जो है ये सीट निकलवा ली है ऑनलाइन वाली, तो इसमें करीब जो है 22 लोग अभी तक नहीं उपस्थित है, इस पर नोटिस इशू करके कार्रवाई की जाए। अमृत योजना के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को खोदकर सीवर और पाइपलाइन डालने का कार्य अब लोगों के लिए मुसीबत का पर्याय बनता जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा इन सड़कों को खोदकर पाइपलाइन तो डाल दी गई है, लेकिन सड़कों की ठीक मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में निगम के पीएचई विभाग द्वारा सोमवार को अमृत योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिससे कि यहाँ ठेकेदारों को निर्देशित कर सड़कों को दोबारा मरम्मत कर शुरू करवाया जा सके। जो अमृत योजना के ठेकेदारों द्वारा सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली गई है, उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि जो रोड वो जैसा खोदेगा उसको पाइपलाइन डालने के बाद उसी स्थिति में उसको बनाएगा। शहर के कई क्षेत्रों में ठेकेदार द्वारा लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन रोड को यथास्थिति में न बनाने के कारण नागरिकों को आवाजाही में असुविधा हो रही है। तो उसी दृष्टि से आयुक्त महोदय ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर लाइन डाली जा चुकी है, जहाँ पर रोडों का काम यथास्थिति में नहीं किया गया है, निरीक्षण करके ठेकेदारों को ये निर्देश देना है कि तत्काल ये काम प्राथमिकता से पूरा करें। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।